तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अर्निंग में। और दोस्तों, आज भी आपके लिए कमाल के दो ईयर ड्रॉप्स हैं जहां पे आप बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हो अगर ईयर ड्रॉप को फॉलो करोगे, अगर उसके रूल्स को फॉलो करके इस पे वर्क करते हो। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो स्टेप बताया जाए उसको फॉलो कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ईयर ड्रॉप। तो दोस्तों, जो पहला एयर ड्रॉप निकल के आ रहा है वो आ रहा है टूटी फ्रूटी फाइनेंस। जी हाँ, TFF कॉइन आपको यहाँ पे मिलेगा। इन्होंने अनाउंस किया है, 15 घंटे पहले का ही अनाउंसमेंट है। अब मैं शॉर्टकट में बता दूँ आपको यहाँ पे करने क्या होंगे। आप वॉक्स बी कॉइन या SBS या जुल बी या जुल टी, इन सब कॉइन्स को अगर आपने अपने किसी भी वॉलेट में, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट में ही क्यों ना हो, होल्ड किया हो या फिर आपने इसको स्टेक पे रखा हो, पैनकेक स्वैप में स्टेक किया हो, इनमें से आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे TFF कॉइन को पाने के लिए। जहाँ दोस्तों, तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं यहां पे इन्वेस्ट करने का आपको कोई सलाह नहीं देता हूं। आप खुद रिसर्च कीजिए, देखिए, जानिए और इसको जान के फिर अगर आपको सही लगता है तो ही यहां पे इन्वेस्ट कीजिए, वरना नहीं। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ है, लेकिन हाँ, आप किसी को पैसे दे नहीं रहे हो, वो आपके ही वॉलेट पर रहेगा। आप बाद में चल के इसको सेल भी कर सकते हो, बट अभी आपको इसे करना होगा होल्ड। ओके, तो ये चार कॉइन है, वॉक्स, SBS, जुल बी और जुल डी। तो मेरे ख्याल में आपके पास जुल बी या जुल डी होगा, इसको स्टेक पे लगाया होगा या फिर आपने होल्ड किया होगा अपने पर्सनल वॉलेट में। अगर आपने स्टेक किया हो या फिर होल्ड किया हो, दोनों में से जो भी हो, तो आप इस ईयर ड्रॉप पे एलिजिबल हो जाओगे। आपको जल्दी ही अनाउंसमेंट मिल जाएगा। और दोस्तों, जो दूसरा एयर ड्रॉप निकल के आ रहा है वो नेम कॉइन की तरफ से आ रहा है। यहाँ बहुत बड़ा कॉइन है, XEM कॉइन। तो इस, ये भी फाइनेंशियल एडवाइज़र इसमें भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस एयर ड्रॉप में भी आपको थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट लगेंगे, और थोड़े बहुत नहीं, कुछ अच्छे खासे ही इन्वेस्टमेंट लगेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेम कॉइन को अपने किसी भी जगह पर होल्ड कर लेते हो, मैं बता देता हूँ कौन कौन से जगह पे आपको होल्ड करना है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको उसके बदले में इसका देखिए रेशियो 1:1 है, तो एक नेम कॉइन होल्ड करने पे आपको एक XYM कॉइन मिलेगा आफ्टर स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यहाँ पे 12 मार्च को लिया जाएगा और 15 मार्च को ये कॉइन पब्लिक ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उस वक्त आपको ये कॉइन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको मिनिमम कितने होल्ड करने हैं और कहाँ कहाँ होल्ड करने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये लिस्टिंग किस किस एक्सचेंज में होगा। लिस्टिंग यहाँ पे देखिए न्यू कैपिटल, ला टोकन उनमें से है, बिटपाना है, पॉलनिक्स है, बिट्रू है, गेट IO है, ये सब एक्सचेंज में ये लिस्टेड होगा। पर दोस्तों, आप इसको अगर होल्ड करना चाहो, बाइनेंस है, अपबीट, OKX और बिट हम, कॉइन स्पॉट, यूबी ग्लोबल, ये सब बिट मार्ट, हिट BTC, इंडिया के कॉइन DCX, कू कॉइन, तो ये सब एक्सचेंज पे आप इसको होल्ड कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाओगे। पर यहाँ पे एक चीज़ है, इन्होंने मिनिमम भी कुछ रखा हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम 100 कॉइन यहाँ पे होल्ड करने होंगे, मिनिमम 100 कॉइन, वो करीब करीब लगते हैं आपके $70-72 के लगते हैं। तो इतने कॉइन आपके पास होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, वरना फिर आप यहां से निकल जाओगे, इसमें आपको नहीं कुछ मिलेगा। ये दोनों जो मैंने एयर ड्रॉप बताए, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पे दे के जा सकते हैं, तो आप इसको स्टडी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट ले सकते हो। मैं कोई यहाँ पे आपको जोर और ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैंने जस्ट आपको बताना था, आपको बता दिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया, बाकी आपका काम है, आप खुद करोगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।